सिवनी जिले के ग्राम बखारी में युवाओं और भारतीय युवा मोर्चा बंडोल ने नेशनल हाईवे 7 पर स्थित अलोनिया टोल के पास भोजन और तरबूज फल पानी का वितरण अप्रवासी मजदूरों और अन्य प्रदेशों से अपने घर लौट रहे लोगों को किया। इस दौरान बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर की उपस्थिति रही और उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए बचाव के लिए जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा। शिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। अध्यक्ष भाई जयदेव चौहान जी, प्रदेश सचिव अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में हमको जो कार सौंपा गया है उसके लिए हमारी बंडोल मंडल की पूरी युवा मोर्चा टीम तब तक तैयार है और हमेशा ताही मजदूरों की जो व्यवस्था भोजन व्यवस्था की जाती है, जलपान व्यवस्था हमारे टोल प्लाजा पे की जा रही है पूरी युवा मोर्चा के साथी के द्वारा। ये हमारे नेशनल हाईवे रोड पर अलोनिया टोल टैक्स है। यहाँ पर हमारे थाना क्षेत्र के जो अंतर्गत ग्राम है, बखारी है, पंडोल है, परासिया है, आसपास के सभी ग्रामों से अपने अपने स्तर पर सभी लोग ने, किसने रोटी, किसने पूड़ी, किसने पुलावा, नमकीन, फल वगैरह की व्यवस्था किए हैं। और जो बाहर से हमारे गरीब मजदूर भाई वगैरह जो आ रहे हैं बसों से, ट्रकों से, उनको रोक कर उनको भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। इस प्रकार पूरी टीम हमारे थाना क्षेत्र की लगी हुई है और हमारे के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और सभी को भोजन की व्यवस्था के माध्यम से कराया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।